क्या पढ़ने वाले हैं हम? और ये किस चीज का चित्र है? क्या लगता है इस चित्र में क्या हो रहा है? मुझे तो एक लाला जी बैठे हुए नजर आ रहे हैं और वो तल रहे हैं खूब सारी पकौड़ी। पकौड़ी देख के मेरे तो मुंह में पानी आ गया। और ये लाला जी के बगल में कौन खड़े हैं? ये दो बच्चे। अरे, इनके आगे तो रखी है पकौड़ियों की प्लेट। क्या लाला जी बच्चों के लिए पकौड़ियां तल तल के दे रहे हैं? और ये बच्चे बड़े मजे से पकौड़ियां खा रहे हैं। लड़की को देखकर तो लगता है कि उसे बड़े मजे की लग रही है पकौड़ी। बिल्कुल मजेदार पकौड़ी बताने का इशारा भी कर रही है। लेकिन इस लड़के को क्या हो गया? ये क्यों इतना हैरान परेशान लग रहा है? और ये पकौड़ी इसके हाथ में उछल कूद रही है। लेकिन क्यों उछल कूद रही है? क्या पकौड़ी बहुत गर्म है? कोई गलती से गरम गरम पकौड़ी इस बच्चे ने अपने मुंह में तो नहीं रख ली, इसीलिए इसका चेहरा ऐसा दिख रहा है परेशान सा। अरे बाप रे, ये क्या हो गया? गरम गरम पकौड़ी? क्या लगता है आपको? चलिए जान लेते हैं पढ़कर कविता पकौड़ी। टौड़ी टौड़ी आई पकौड़ी, छुन 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 तेल में नाची, प्लेट में आ शर्माई पकौड़ी। दौड़ी दौड़ी आई पकौड़ी, हाथ से उछली मुंह में पहुंची, पेट में जा घबराई पकौड़ी। दौड़ी दौड़ी आई पकौड़ी, मेरे मन को भाई पकौड़ी। अरे दौड़ी दौड़ी आई पकौड़ी, छुन 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 तेल में नाची, प्लेट में आ शर्माई पकौड़ी। दौड़ी दौड़ी आई पकौड़ी, हाथ से उछली मुंह में पहुंची, पेट में जा घबराई पकौड़ी। दौड़ी दौड़ी आई पकौड़ी, मेरे मन को भाई पकौड़ी। दौड़ी दौड़ी आई पकौड़ी, छुन 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 तेल में नाची, प्लेट में आई पकौड़ी। प्लेट में आके शर्माई क्यों पकौड़ी? खैर जो भी हो, पकौड़ी की कविता पढ़कर और खूब सारी पकौड़ी खाकर मुझे तो मजा आ गया। अब आप बताइए, आपके घर में पकौड़ी कब कब बनती है? मेरे घर में तो जब जब बारिश होती है, पकौड़ी और चाय जरूरी होती है। पकौड़ी और चाय के बगैर क्या बारिश का मौसम पूरा होता है? हमारे घर में तो नहीं। आपके घर में पकौड़ी कब कब बनती है और कौन कौन से पकौड़ी खानी पसंद है? मुझे तो पकौड़ी में थोड़ा सा आलू, कभी कभार प्याज, अलग अलग तरीके की पकौड़ियां बनानी पसंद है। आपको कैसे कैसे पकौड़ी खानी पसंद है ये भी बताइएगा। और अब पकौड़ी की कविता पढ़ ली है, साथ साथ कुछ मजेदार पकौड़ियां खा ली है, तो क्यों ना आप पकौड़ी की कविता में कुछ एक जैसी आवाजों वाले शब्द भी ढूंढ लिए जाए। चलिए मैं जल्दी से खत्म करती हूँ और फिर हम मिलकर ढूंढते हैं पकौड़ी की कविता में एक जैसी आवाजों वाले शब्द। ध्यान से सुनिएगा कविता को और ध्यान से पढ़िएगा भी। चलिए पढ़कर ढूंढते हैं इस कविता में एक जैसी आवाजों वाले शब्द। दौड़ी दौड़ी आई पकौड़ी, छुन 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 तेल में नाची, प्लेट में आ शर्माई पकौड़ी। दौड़ी दौड़ी आई पकौड़ी, दौड़ी पकौड़ी, दौड़ी पकौड़ी, दौड़ी पकौड़ी। क्या लग रहे हैं आपको ये दोनों शब्द एक जैसी आवाजों वाले? बोल के देखें, दौड़ी पकौड़ी, दौड़ी पकौड़ी, दोनों में आ रही है बड़े ओ और बड़ी ई की आवाज। द और का पे आ रही है बड़े ओ की आवाज और शब्द के आखिर वाले अक्षर ड़ पर आ रही है बड़ी ई की आवाज। चले देखते हैं और कौन कौन से शब्द हैं एक जैसी आवाजों वाले। छन 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 तेल में नाची, प्लेट में आ शर्माई पकौड़ी। छुन 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 तेल में नाची, प्लेट में आ शर्माई पकौड़ी। दौड़ी दौड़ी आई पकौड़ी, हाथ से उछली मुंह में पहुंची, पेट में जा घबराई पकौड़ी। हाथ से उछली मुंह में पहुंची, पेट में जा घबराई पकौड़ी।
प्लेट में आ शर्माई पकौड़ी, पेट में जा घबराई पकौड़ी। प्लेट में आ शर्माई पकौड़ी, पेट में जा घबराई पकौड़ी। क्या इन दोनों पंक्तियों को देखने पर आपको कोई एक जैसी आवाज वाले शब्द दिख रहे हैं? फिर से पढ़ के देखें। प्लेट में आ शर्माई पकौड़ी, पेट में जा घबराई पकौड़ी। शर्माई और घबराई दोनों के अंत में आ रही है ई की आवाज, और दोनों के बीच में आ रही है आ की आवाज। तो इनमें आ रही है दो एक जैसी आवाजें, घबराई और शर्माई। बोल के देखें, शर्माई घबराई, शर्माई घबराई, राई राई माई माई, माई राई राई माई, शर्माई घबराई, शर्माई घबराई, घबराई शर्माई। आ रही है ना एक जैसी आवाज। अब इन इस पंक्ति में देखते हैं क्या कोई और भी एक जैसी आवाज वाले शब्द दिख रहे हैं। हाथ से उछली मुंह में पहुंची, उछली पहुंची। उछली पहुंची में एक जैसे पूरी आवाज तो नहीं आ रही, लेकिन दोनों ही शब्द अंत हो रहे हैं ई की आवाज पे। पहुंची उछली, उछली पहुंची, पहुंची उछली, ली लीची लीची, दोनों में आ रही है बड़ी ई की आवाज। दोनों ही अंत हो रहे हैं बड़ी ई की आवाज पर। अब देखते हैं क्या कोई और भी शब्द हैं जिनमें आ रही है एक जैसी आवाज। दौड़ी दौड़ी आई पकौड़ी, मेरे मन को भाई पकौड़ी। क्या भाई और आई एक जैसी आवाज वाले शब्द लग रहे हैं? बोल के देखें, आई भाई। लेकिन आई भाई के साथ एक कुछ और भी शब्द हैं जिनकी आवाजें एक जैसी आ रही हैं। जरा पिछले ढूंढे हुए शब्दों को देखें, शर्माई घबराई आई भाई, शर्माई घबराई आई भाई। ये चारों शब्दों के अंत में आ रही है बड़ी ई की आवाज। बोल के देखें, शर्माई घबराई आई भाई। तो ये तो हुए हमारे कुछ शब्द जी एक जैसी आवाजों वाले। क्या आपको और भी शब्द पता हैं जिनके अंत में आती हो दौड़ी पकौड़ी जैसी आवाज, या शर्माई घबराई आई भाई जैसी आवाज? अगर मालूम है तो जरूर बताइए, और अपने दोस्तों को भी कविता पढ़कर सुनाएं, और उनसे भी जानें क्या उन्हें मालूम है कुछ ऐसे शब्द जिनके अंदर आती हैं एक जैसी आवाजें, या उन्हें मालूम है दौड़ी पकौड़ी जैसी आवाजों वाले शब्द, या शर्माई घबराई जैसी आवाजों वाले शब्द, या आई भाई जैसी आवाजों वाले शब्द। पूछिएगा जरूर और देखिएगा कितने सारे और शब्द आपको मिलते हैं।